अरे सुन बेटा, बेटा, अरे बेटा, ये चराग तो बहुत मैला है और इसमें जंग भी लगा हुआ है, इसे जरा कपड़े से साफ तो कर दे। तुम ठीक कहती हो अम्मा, मैं इसे घिसकर अभी चमकाता हूँ, फिर शायद दाम भी ज्यादा मिल जाए तो रोटियां भी ज्यादा लेता आऊंगा। जीना चाहता हूं मगर मौत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। उस मौत के घार से तो मेरी जान बच गई मगर ऐसा नजर आ रहा है अब मेरी जान नहीं बचेगी, तू मुझे मार डालेगा। वहां तो मरने वाला मैं अकेला था, यहां तो मेरे साथ मेरी मां भी मर जाएगी। मैं इस मनुष्य चिराग को वहां से उठाकर क्यों चला आया, क्यों चला आया? ये चिराग मनहूस नहीं, तेरे खुशकिस्मती का चिराग है मेरे आका। मगर तू कौन है? मैं शहंशाह जिन्नात कयामत जिन हूं। मानिंद गुलाम, तेरी फरमाबरदारी में हाजिर हूं और हर उस शख्स का गुलाम हूं जिसके हाथ में ये चिराग होगा। हुक्म दे मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूं आका। गुलाम से मालिक को डरना नहीं चाहिए। तू इतना बड़ा ताकतवर जिन मुझ जैसे कमजोर इंसान का गुलाम कैसे हो सकता है? जिसके पास भी ये चिराग होगा मैं उसी का गुलाम हूं, उसी का हुक्म मानूंगा। मुझे यकीन नहीं आता। तुझे यकीन नहीं आता? तू हुक्म देकर तो देख। क्या हुक्म दूं? कुछ भी हुक्म दे, किसी भी बात का हुक्म दे, किसी भी चीज का हुक्म दे, मैं आनन फानन में हाजिर कर दूंगा। मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है, क्या खाना लेकर आ सकता है तू? क्यों नहीं मेरे आका, और बोल तू क्या चाहता है? कीमती लिबास और दौलत भी चाहिए। सब कुछ लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ मेरे आका। अम्मा डरो नहीं, होश में आओ, होश में आओ अम्मा। वो जिन्नातों का शहंशाह जिन इस पुरासर चिराग का ताबेदार जिन है। Ha 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 ha
शहंशाह जिनकी आवाज है। चलो आका, मैं सब कुछ लेकर आ गया हूं। आपके हुक्म के मुताबिक लजीज खाने, कीमती लिबास और अशरफियां लेकर आया हूँ। शुक्रिया ऐ शहंशाह जन्नत, शुक्रिया। देखो अम्मा, वो हमारे लिए क्या क्या लाया है। पुलाव, जर्दा, कोरमा, मुर्ग मुसल्लम, नान। आओ जल्दी से खाएं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये खाना खाना जायज नहीं है। जायज है अम्मा, ये सब खाना हमारी किस्मत में लिखा था, इसीलिए अल्लाह ने ये सब नेमतें इस शहंशाह जिन्नात के जरिए हमको भेजी है। खाओ वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो अम्मा, खाओ। सोच रहे हो मेरे आका? आज से तुम मुझे आका नहीं कहोगे। क्यों आका? फिर आका कहा? क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं गुलामी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं कि वो अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को गुलाम बनाए और खुद आका बन जाए। इसलिए ना तुम गुलाम हो ना मैं आका हूँ। तो फिर क्या है हम दोनों? दोस्त। दोस्त रफीक।
मुहिब्बे मन है हम दोनों। मुहिब्बे मन? ये बात बहुत पसंद आई मुझे। ऐ मेरे इंसानियत पसंद दोस्त, मैंने देखा है तू सच्चा अल्लाह का बंदा है, गरीबों का हमदर्द, बेसहारों का सहारा है तू। मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुझ जैसे नेक इंसान का घर आबाद कर दूं। तू कहे तो परिस्तान से कोई हसीन महजबीन परी लाऊं और तेरी शादी कराऊं। नहीं है? मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बता मेरे दोस्त। तू खामोश क्यों है? कुछ तो बात है, तू कुछ मुझसे छुपा रहा है। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। नाराज ना हूं मेरे दोस्त। जब तूने मुझे अपना दोस्त कहा है तो अपने इस दोस्त को दोस्ती का हक अदा करने दे। मेरे दोस्त अब बता। वो बात बताने से क्या फायदा जो हो ही नहीं सकती। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? हाँ। मुबारक हो। इश्क तो खुश नसीब लोगों को होता है। जल्दी बता कौन है वो? वो बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर है। वो इस सल्तनत की शहजादी है और नाम है गुलफशा। गुलफशा यानी फूल बिखेरने वाली, फूलों की तरह महकने वाली, फूलों की पत्तियों की तरह नाजुक और हसीन। हाँ बिल्कुल ऐसी है गुलफशा, लेकिन वो आसमान है, मैं जमीन हूं। और दोस्त, जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? ता हद्दे नजर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, जहां नजर खत्म हो जाती है। गौर से देखो, आखिर में आसमान जमीन से मिल जाता है। ऊंच नीच का फर्क दोनों में नजर नहीं आता, लेकिन हमारा मिलना नामुमकिन नजर आता है। क्या बताऊं, मैं तो पहली नजर में उसके तीर नजर का शिकार हुआ, आशिक हुआ, दीवाना हुआ, उसके शम्माए हुस्न पर फिदा मिसले परवाना हुआ। वो आंखों से मेरे दिल में उतरी ऐसे कि बयान नहीं कर सकता। बयान कर, जल्दी बयान कर। वो आंखों से तेरे दिल में कैसे उतरी? तो फिर सुन आए मेरे हमदर्द। एक दिन वो परी मिसाल पैकरे जमाल गुलफशा शाही सवारी में सवार अपनी दो सहेलियों के साथ, रजिया सुल्ताना और निगहत सुल्ताना के साथ, शाही हमाम की तरफ गुस्ले आफताबी के लिए जा रही थी। खबरदार, खबरदार, शहजादी गुलफशा की सवारी आ रही है। हट जाओ, सामने आओ। क्यों रहे हो? अरे सुना नहीं, शहजादी गुलफशा की सवारी आ रही है। हट,
अरे तुम्हें अपनी जान चाहिए तो भाग जाओ। अगर कोई शहजादी को देखना चाहे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। अरे आदमी चल, मरने का इरादा क्या? शहजादी को देखने का इरादा है, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये तमन्ना थी। अरे चल आदमी, पछताएगा, मारा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, आज तो मैं हसरत पूरी करके ही जाऊंगा। उसका चेहरा दिखा, मुझे दीदार करा। ए हवा, तुझे खुदा का वास्ता, दिल की आरजू पूरी कर दे, मेरी आंखों में उसके जलवे भर दे। ए हवा पर्दा उठा। गुलफ़शा, तेरा दिल लेकर जाती हो कहाँ? शहज़ादी, क्या सूरत है, माशाल्लाह, क्या हुस्न है। वापिस निगेबान, सिपाहियों, इंशाल्लाह फिर दीदार होंगे। गिरफ्तार कर ले इस गुस्ताख को, इसने हमारी सूरत देख ली है। एक बार देखी है तेरी सूरत, बार बार देखने की तमन्ना है तेरी सूरत। फिर ये सूरत न दिखाई तो ये सूरत होगी, दुनिया देखेगी तमाशा तेरे दीवाने का। गिरफ्तार कर लो इस दीवाने को। शुक्रिया शहजादी हुस्न, शुक्रिया। Thank you.
और मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी देखो कि सिपाहियों से बचता बचाता आखिरकार मैं जिस इमारत में पहुंचा वो शहजादी का शाही हम्माम था। फिर शहजादी वहीं पहुंच गई। उसने आते ही मुझे फौरन गिरफ्तार करके मार डालने का हुक्म दिया। उसकी दोनों सहेलियां मेरी तरफदारी करती रहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वल्लाह, वो गुस्से में भी बहुत हसीन लग रही थी। जाओ दरियाफ्त करो और हमें आगाह करो कि उस बदतमीज गुस्ताख मुजरिम को गिरफ्तार किया है या नहीं। जीनत सुल्ताना जी। निखत सुल्ताना, ताज्जुब है तुम दोनों बहनें हंस रही हो हम पर। हंसी आपके गुस्से पर आ रही है, और उस नौजवान की हिम्मत की तारीफ करूंगी कि उसने आपका दीदार किया और चला गया। अब तो वो चला गया, फिर अब क्यों बेचैन है? अब तो हमें तभी चैन आएगा जब कोड़ों से उस गुस्ताख की खाल उतारी जाएगी और फिर उसका सर काट कर हमारे हुजूर में पेश किया जाएगा। अपने फैसले पर दोबारा गौर करो गुलाबशाह। मौत की सजा बहुत ज्यादा है। नहीं निखत, काश मौत से भी बढ़कर और कोई सजा होती तो हम उस गुस्ताख को देते। जीनत, निखत, जरा बाहर जाकर देखो, ये हमारी मुहाफिज, निगहबान और कनीजी कहाँ जाकर मर गई हैं? वापस आकर किसी ने हमें खबर तक नहीं दी कि वो गुस्ताख गुनहगार गिरफ्तार हुआ है या नहीं। हम दोनों अभी जाती हैं और आपके उस गुस्ताख की खबर लाती हैं। चलो निखत, चल। जाली के पीछे छुपकर सब कुछ देखता रहा। सब कुछ? हाँ सब कुछ। वल्लाह, वो शाही हौज में जब उतरी तो क्या कयामत दिख रही थी। मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। मैं तो जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गया था। अचानक उसे सर्दी लगी तो उसने पुकारा, अरे कोई है, हमें सर्दी महसूस हो रही है, पश्मीना लाओ। जब कोई ना आया तो मैं रह ना सका, एक ऊनी चादर लेकर खुद ही हाजिर हो गया। उसने चिल्लाना चाहा, मगर मैंने वही मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस वक्त मैं जैसे इश्क में दीवाना हो गया था। लीजिए मेरे हुजूर।
चीखो नहीं खुदा के लिए, यकीन करो तुम्हारी सवारी में मुझसे जरूर गुस्ताखी हुई। अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं, लेकिन अभी तो मैं छुपता भागता जा रहा था कि किस्मत ने फिर तुम्हारे पास पहुंचा दिया। मेरी बात तो सुन लो शहजादी, फिर जो जी चाहे सजा दे देना। बरसों से मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि तुम्हें देखूं, खूब देखूं और करीब से देखूं। आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी ना शहजादी, जो आपके इश्क में गिरफ्तार हो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। जाओ, मैं खुद अपने आप को आपके इंसाफ के हवाले करता हूं। बदतमीज गुस्ताख, तुम हमारा इंसाफ देखना चाहते हो? सिपाहियों मुहाफिज, जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया और शहजादी के हुजूर में पेश किया तो वो आग बगुला होकर बोली, गुस्ताख तुम अपने अंजाम से भी बेखबर थे? प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते शहजादी गुलफशां। मगर तुम अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखते कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम आसमान हो, मैं जमीन हूं। और फिर भी उसे छूना चाहते हो? इसी को तो प्यार का हौसला कहते हैं शहजादी। मोहब्बत के चिराग हमेशा आंधी और तूफानों में ही जला करते हैं और मौत के साए में उसकी रोशनी मंजिल पे पहुंचाती है। इस गुस्ताख दीवाने आशिक के जिस्म को कोड़ों के जख्मों से सजाया जाए और फिर इसे मौत का ताज पहनाकर सर काट लिया जाए और हमारे कदमों में पेश किया जाए। कत्ताला शमशीर जहां हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। और कोड़े लगाओ और जोर से कोड़े लगाओ कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल लिपट कर आ जाए। ये जुल्म है गुलफशां, इस नौजवान का यही कसूर है ना कि इसने आपके हुस्न की तारीफ की थी। ये मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है। कोई भी किसी को भी चाह सकता है। तुम किसी के दिल पर उसकी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकती, उसकी रूह को जंजीरें नहीं पहना सकती। मगर मैं तो इससे मोहब्बत नहीं करती। ना करो, बिल्कुल ना करो, लेकिन उसे सजा भी तो ना दो। मगर ये गुस्ताख बदतमीज बदतहजीब जनाना हमाम में आ गया था। यकीनन ये उसका जुर्म है, गुस्ताखी है, नाकाबिले माफी गुनाह है। और इस गुनाह के लिए उसे कोड़ों की सजा देना ही काफी था, कत्ल करना वाजिब नहीं। कत्ताला शमशीर जहां, अब हम ये मंजर देखना पसंद करेंगे कि इस गुनहगार का सर किस तरह इसके तन से जुदा होता है। जी हुजूर। नजरों से देख रहा है। हश्र के दिन अल्लाह के सामने हम दोनों बहनें गवाही देंगी कि गुलफशा ने एक बेगुनाह को कत्ल किया था। और अल्लाह तुम्हें जन्नत की बजाय जहन्नुम देगा। रुक जाओ कत्ताला, रुक जाओ,
हमने अपने मुजरिम का जुर्म माफ कर दिया है, इसका सर ना काटा जाए। ये जुल्म ना कीजिए शहजादी गुलफ्शा, इस सर को कटने दीजिए। ताज्जुब है नौजवान, हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं और तुम खुद मौत तलब कर रहे हो। इसलिए कि मैं जिंदा रहकर तो आपको पा नहीं सकता, बेहतर है कि मैं मर जाऊं और शहीद मोहब्बत के रुतबे से सरफराज हूं। नौजवान ये तुम क्या कह रहे हो? जब आप मेरा सर कलम नहीं कर सकती तो मैं खुद अपना सर काट लूंगा। इस तरह इश्क के हाथों हुस्न को नजराना दिया जाता है। ये बारगाह मोहब्बत है, कोई खानकाह नहीं, यहाँ फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि मैं अपनी औकात समझ गया कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ एक बेकार सा पत्थर हूं और शहजादी दौलत व इज्जत के आसमान का चमकता हुआ सितारा है और वो मेरी किस्मत का सितारा नहीं बन सकती। मैं उस शहजादी को ख्वाबों में तो देख सकता हूं लेकिन पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? जरूर पाएगा, मिलेगी तुझे। ये सच है दोस्त, ये दुनिया दिखावे की है। ये दुनिया दौलत, इज्जत, लिबास, सवारी, शान और मकाम देखती है, इंसान का दिल ईमान नहीं देखती। लेकिन दोस्त, तू अपना दिल छोटा न कर। तूने मुझे अपना दोस्त कहा है, अब मेरी दोस्ती भी देख। तेरे लिए ये दोस्त क्या कर सकता है? मैं तेरी औकात ही बदल दूंगा। तेरी शान उसकी शान से बड़ी होगी। नहीं मेरे दोस्त, जो कुछ अभी मैं हूं वही सब कुछ बहुत है मेरे लिए। मुझे और शान शौकत नहीं चाहिए। तुझे नहीं, मुझे चाहिए तेरी शान, ताकि तेरी मोहब्बत को कामयाब कर सकूं। मेरे दोस्त, पहले मैं तेरे लिए गुलिस्तान नाम का एक शहर बसाऊंगा, उसमें तेरे लिए एक आलीशान शीश महल बनाऊंगा। ये देख मीनार, ये देख किला, तेरे पीछे किला। क्यों, तुझे अपना शहर गुलिस्तान पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। उस शहर में तेरे लिए एक खूबसूरत शीश महल बनाऊंगा। अब मैं तेरे लिए गुलाम बनाता हूँ। अब मैं तेरे लिए कनीज़े बनाता हूँ। चल अब महल में चलते हैं। होशियार, हर खास वाम बाशिंदगाने गुलिस्तान, होशियार। Thank you.
अम्मा जान। क्यों मेरे दोस्त, अब तो तेरी औकात बदल गई। शहर गुलिस्तान और शीश महल पसंद आया? बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, सभी कुछ है। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया मेरे दोस्त। दोस्ती का हक तो अब अदा करूंगा, दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाऊंगा। याद रख मेरे दोस्त, दौलत, इज्जत और शोहरत और औरत जब किसी बुरे इंसान के हाथ में फंस जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। जब किसी नेक, शरीफ, खुदा से डरने वाले, ईमानदार, मेहनती इंसान के घर जाती है तो बहुत खुश होती है। ये दौलत, इज्जत और शान तुझसे बहुत खुश है, सिर्फ औरत की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे मेरे दोस्त? वो ऐसे, मैं तेरी मुलाकात शहजादी गुलफ्शा से कराऊंगा। हाँ मेरे दोस्त अलादीन। शहजादी ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश कभी ना करना। पता नहीं अब वो मुझसे मिलकर खुश होगी या मुझे देखते ही उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा। उस गुस्से में भी प्यार होगा मेरे दोस्त, तुम घबराओ नहीं, तुम मिलो उससे। हाँ। पता नहीं वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। जरूर याद करती होगी, जरूर याद करती होगी। मोहब्बत है, कोई खानकाह नहीं, यहां फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। गुलाबशाह, 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 गुलाबशाह यूं गुलों के पास बैठी है, चमन में जैसे बुलबुल उदास बैठी है। बिल्कुल मोहब्बत की खामोश तस्वीर बन गई है। हाय मोहब्बत, वाह क्या मोहब्बत है, इन्हें अपने महबूब का नाम और पता तक मालूम नहीं। ऐसी मोहब्बत को गुमनाम मोहब्बत कहते हैं। हाँ। न छेड़े निखत बादी बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं और अपने महबूब से मिलने को तैयार बैठे हैं। देखा ये भी कितना अजीब प्यार है, वादा नहीं उनका मगर इंतजार है। हाँ, इंतजार है जीनत, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं निखत? तुम तो मेरी अजीज तरीन सहेलियां हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, सच सच बताओ
क्या वो भी मेरी तरह बेचैन होगा? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो जरूर बेचैन होगा। दिल से दिल को राह होती है, एक दिन जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। काश मेरे पर लग जाए और वो जहां भी हो मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। आप तकलीफ ना कीजिए, हुस्न के हुजूर में इश्क खुद हाजिर हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन है? ये क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, मोहब्बत हूं मैं। डरिए नहीं, गौर से देखिए, मैं वही आपका दीवाना, आपके शम्मे हुस्न का परवाना, आपकी मोहब्बत का गुस्ताख मुजरिम, आपकी हसीन जुल्फों की जंजीरों से बंधा हुआ आपका सजा याफ्ता कैदी हूं मैं। शाही बाग में आप कैसे आए? दीवार फांद कर आए या पहरेदारों को चकमा देकर आए? मगर ये जरूर पूछेंगे कि गरीब के जिस्म पर ये कीमती लिबास कहां से आया? ये सब खुदा की कुदरत है, उसका फजल करम है। अब मैं शहर गुलिस्तां का शहजादा हूँ। शहजादा? 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 हाँ, शहजादा। शहजादी गुलफशा को गुलिस्ता का शहजादा मुबारक हो। तस्लीम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी गुलफशा। चलो।